हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप थानू सब नू पता होगा कि फिफ्थ क्लास, एट्थ क्लास एंड टेंथ क्लास का पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के वलों रिजल्ट आउट कर दिया गया है। तो इस रिजल्ट के ओनली ग्रेड्स मैनशन किए गए, मार्क्स मैनशन नहीं किए गए। तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड के क्वेश्चन थे कि जो ग्रेड्स है ये आने वाले कॉम्पीटेटिव एग्जाम के लिए किदा काम करेंगे। सो हर एक कॉम्पीटेटिव एग्जाम के नोटिफिकेशन के लिए एंड उसकी प्रैपरेशन के लिए चैनल सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लियो। तो देखते हैं जो नोटिफिकेशन है अपने को। सब तो पहला अपन नोट दिता गया सी, ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक द ग्रेड्स हैव बीन गिवन टू द कैंडिडेट बेस्ड अपॉन द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन सीसी। तो सीसी के अकॉर्डिंग जो अपन ग्रेड्स दिते गए, तो तुम देख सकते हो किड़े स्टूडेंट्स किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब तो पहला अपन पता है कि ऑलमोस्ट 55% एलिजिबिलिटी मंगी जाती है, जो इस अलावा 50% एलिजिबिलिटी मंगी जाती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं जिसका भी C+ ग्रेड होगा वो कॉम्पीटेटिव एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकेगा, क्योंकि C+ के लिए जो परसेंटेज दी गई है वो 50-60 दी गई है। तो हर एक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए उन्होंने लिए C+ ग्रेड होना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो जिहड़े स्टूडेंट्स का C+ तो घट है, मतलब सी होगा या डी होगा, उन्होंने लिए इस कॉम्पीटिशन रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस अलावा जेकर आप गल करते हाँ मैरिटोरियस के लिए, तो उसकी कंडीशन की है, मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटागरी के लिए एंड 65 होनी चाहिए SC एंड ST के लिए। तो तुम इस तरह ये भी देख सकते हो कि SC एंड ST के लिए B ग्रेड होना बहुत जरूरी है जेकर वो मैरिटोरियस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एंड जेकर जनरल कैटागरी की गल करिए उन्होंने लिए B+ ग्रेड होना बहुत जरूरी है। तो इस तो अलावा मैरिटोरियस के लिए एक अलग लैक्चर बनाया गया सी, वो तुम देख सकते हो, चैनल जो विजिट कर सकते हो। तो आई होप थोड़ा इनफॉर्मेशन वधिया लगी होगी, सो अपने फ्रेंड्स के नाल जरूर शेयर करो, एंड इस तरह ही होर वीडियोज़ के लिए चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो के, थैंक यू।